न्यूज डिवाइन आपके लिए लेकर आता है निरंकारी जगत की सूचना व समाचार, जिसमें आप देखेंगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा, सेल्वेशन टूर्स में निरंकारी मिशन की इंटरनेशनल खबरें, मिशन ओवरसीज में चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दिए जा रहे सामाजिक योगदानों की जानकारी, SNCF डायरी में, और साथ ही समाज के प्रतिष्ठित सज्जनों की विचारधारा से रूबरू होंगे एक खास मुलाकात में। देश विदेश के कोने कोने में हो रही निरंकारी जगत की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज डिवाइन। First NIS Samagam was held in Birmingham and next NIS Samagam will be held here in Toronto. महीने में नए समाचारों के साथ मैं हूं आपका वही पुराना दोस्त राकेश। सादर अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, धन निरंकार। मित्रों, न्यूज डिवाइन का यह एपिसोड है मई 2016 का, जिसमें अप्रैल 2016 की खबरों का गुलदस्ता पेश होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं निरंकारी जगत के दिव्य सफर की मुख्य समाचारों के साथ। हेडलाइंस ऑफ द मंथ: सेल्वेशन टूर्स, समागम्स, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। एंड नाउ द न्यूज इन डिटेल। फ्रेंड्स, द ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस ऑफ द लॉर्ड मास्टर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फिल्ड द हार्ट्स ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज व्हेन हिज होलीनेस विजिटेड वेरियस टाउन्स ऑफ राजस्थान इन इंडिया। द ऑडियंस ऑफ द सदगुरु overwhelms and delights the devotees beyond words and beyond explanation. We know that after listening to a brief of this news, you want to see the video with a detailed report. Well, here it is. कल्याण यात्राओं की लड़ी में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक राजस्थान की यात्रा कर वहां रहने वाले भक्तों को कृतार्थ किया। इस यात्रा का पहला पड़ाव था राजाओं महाराजाओं की नगरी जोधपुर, जहां पर सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। मानवता को अपूर्व वीरता और साहस से सिंचित करने वाली इस धरती पर जब भक्ति का रंग चढ़ा तो मानवता का मन आनंद से भर उठा। भक्तों ने हुजूर बाबा जी के सम्मुख भक्ति भरे गीत, व्याख्यान और कविताओं के रूप में अपने भाव प्रस्तुत किए। ओ सूरज गर्मी पहुंचावे, ओ सूरज ठंडक पहुंचावे है सा, और जलम जलमरा भेद मन करा एक पल में मिटावे है सा, जलम जलमरा भेद मन करा एक पल में मिटावे। अंत में हुजूर बाबा जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन 15 अप्रैल को जोधपुर सत्संग भवन पर हुजूर बाबा जी ने पारिवारिक रूप से भी भक्तों को अपना पावन सानिध्य प्रदान किया। तत्पश्चात इसी दिन यहां से रवाना हो गए और धूल भरे कच्चे रास्ते से होते हुए बाड़मेर पहुंचे। 15 अप्रैल को ही बाड़मेर में सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ था। सत्संग स्थल पर जब खुले वाहन में हुजूर बाबा जी का आगमन हुआ तो दर्शन पाकर संगतों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
पारंपरिक परिधानों में सजी बहनों ने राजस्थानी भाषा में स्वागत गीत गाकर अपने इष्ट का भावभीना अभिनंदन किया। अनेक भक्तों के मुखारबिंद से देर तक गीत व्याख्यान के रूप में भक्ति धारा प्रवाहित होती रही। अंत में मानवता के मसीहा हुजूर बाबा जी ने मानवता के नाम अपने संदेश में कहा, जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, के वाकई ही ये नहीं कि कौन कहा क्या जा रहा है, उसका महत्व है। किस तरफ कदम बढ़ाने की प्रेरणाएं मिल रही हैं, उसका महत्व है। कौन सही मायनों में धर्म का मरम हमें बता रहा है, उसका महत्व है। 16 अप्रैल को बाड़मेर के सत्संग भवन पर जब एक बार पुनः भक्तों पर हुजूर बाबा जी की कृपा बरसी तो भक्तजन निहाल हो उठे। इसी दिन जैसलमेर आगमन हुआ। यहाँ पर 16 अप्रैल को ही सत्संग समारोह का आयोजन था। राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों से संगतें दया सिंधु सदगुरु के पावन दर्शन हेतु खींची चली आई थीं। राजस्थानी भाषा में जब भक्ति भरे गीतों की सुरीली धारा बही तो हर भक्त झूम उठा। भक्ति का ये रंग और भी प्रगाढ़ हो उठा जब हुजूर बाबा जी के पावन मुखारबिंद से आशीर्वचन प्रवाहित हुए। इसी प्रकार 17 अप्रैल को जैसलमेर सत्संग भवन पर एक बार पुनः भक्तों को आशीर्वाद देने के उपरांत हुजूर बाबा जी का बीकानेर आगमन हुआ। बीकानेर में भी सत्संग कार्यक्रम इसी दिन आयोजित किया गया था। राजाओं महाराजाओं के वीरता की गाथा सुनाती बीकानेर की वादियों में भक्ति के तराने और इबादत के अफसाने गूंज उठे। सतगुरु आयो रे कलयुग में इनका दर्शन कर लियो रे, सतगुरु आयो रे। अगले दिन 18 तारीख को भी बीकानेर सत्संग भवन पर भक्तों को भरपूर रहमत प्राप्त हुई और फिर इस कल्याण यात्रा में रास्ते भर स्थान स्थान पर भक्तों को कृतार्थ करते हुए हुजूर बाबा जी झुंझुनू पहुंचे। यहां पर भी आध्यात्मिकता के खुराक के रूप में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में देर तक गीतों व्याख्यानों और कविताओं की भक्ति धारा प्रवाहित होती रही। अंत में हुजूर बाबा जी ने अपने प्रवचनों में कहा कि एक वृक्ष पेड़ के ऊपर पंछी बैठा हुआ और वृक्ष को आग लग जाती है, पेड़ को आग लग जाती है और पेड़ को आग लगती है तो पेड़ वो वृक्ष वो पंछियों को क्या कह रहा है, वो वृक्ष पंछियों को कह रहा है कि हम तो दाफत पंख बिन तुम दाफत हो काहे। तो इसी की बात फिर से वही आएगी कि जैसे कि वो वृक्ष उन योनियों के लिहाज से उनको देखें और दूसरी तरफ पंछी वो मानव योनि वाला है तो वो अन्य योनि वाला मानव योनि वाले को कह रहा है कि हम तो दाफत पंख बिन तुम दाफतों का है, कि इस प्रकार से तुम तो अपना बचाव कर सकते हो। यानी कि इंसानों को कितने ढंगों से ये बात समझाने के प्रयास हो रहे हैं। जहां दया सिंधु सदगुरु बाबा जी ने अप्रैल के महीने में राजस्थान पहुंचकर वहां के भक्तों को कृतार्थ किया, वहीं दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 तथा दिल्ली व दिल्ली के आसपास के भक्तों को भी भरपूर निहाल करते रहे। समागमों की वर्ष भर चलने वाली लड़ी में 24 अप्रैल को निरंकारी जगत ने मानव एकता दिवस मनाया। ये दिन हमें याद दिलाता है सत्य की विजय की। ये दिन हमें याद दिलाता है बाबा गुरुबचन सिंह जी के बलिदान और उनके विशाल पवित्र सादा और ओजस्वी व्यक्तित्व की। मानव एकता दिवस का मुख्य केंद्र रहा बुराड़ी दिल्ली स्थित विशाल समागम ग्राउंड, जिसके अलावा ये दिवस देश व विदेश के कई केंद्रों पर भी मनाया गया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की नज़र से। वर्ष भर चलने वाले समागमों की श्रृंखला में 24 अप्रैल को दिल्ली में बुराड़ी रोड स्थित समागम ग्राउंड में मानव एकता दिवस समागम आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि मानव एकता दिवस समागम युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज और मिशन के उन सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने मानव एकता के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए। बाबा गुरुबचन सिंह जी की शिक्षाओं और बलिदानी भक्तों के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए समागम में दिल्ली व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में भक्तों का आगमन हुआ। युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को गीतों व्याख्यानों और कविताओं के रूप में प्रस्तुत करते हुए भक्तों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਬਿਖਰੇ ਮੋਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈਏ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਔਗਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਪੰਡ ਨਾ ਸਹੀਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖੋਈਏ। ਕਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਦ ਬੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਈਏ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਾ ਸਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਾ ਸਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। मानव एकता दिवस पर आयोजित सत्संग समारोह में समस्त मानव परिवार को संबोधित करते हुए हुजूर बाबा जी ने कहा, बाबा गुरबचन सिंह जी ने जीवन भर उसी सादगी को खुद भी अपनाए रखा, तमाम जिम्मेदारियों को उसी अनुसार निभाया और इस तरह से समाज के लिए भी एक सुंदर मिसाल बनते हुए उन्होंने मिशन की छवि को निखारा और उसको सुंदर रूप दिए और फिर केवल देश तक ही सीमित ना रखा, फिर देश की रेखा को भी लांग गए और दूर देशों में अन्य मुल्कों में जाकर भी उन्होंने यही पैगाम दिया और राजमाता जी ने कदम कदम पर पूर्ण साथ दिया। अगर आज हम NIS की बात कर रहे हैं, दूर देशों में प्रचार की बात कर रहे हैं, तो उसकी नींव भी तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने ही रखी थी। उन्होंने ही वहाँ जा जाकर हर बरस इसी प्रकार से ये सच का पैगाम वहाँ दिया और वहाँ पर भी मिशन का नाम एक बुलंद किया। इस अवसर पर दिल्ली और पूरे भारत वर्ष के अलावा जहाँ विश्व भर में मानव एकता दिवस समागम श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, वहीं पूरे विश्व में स्थान स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाए गए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ठीक इस ब्रेक के बाद। What to do? Wow! Woohoo! Yay! Second and third July? Yes! Going to NIS Canada. Good morning, children. Good morning, ma'am. आज हम कुछ abbreviations करेंगे. Abbreviations का मतलब short forms. ठीक है? पहली एब्रीवेशन है VIP की फुल फॉर्म क्या है, मुझे कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताइए। मैम, VIP का मतलब है वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, आपको क्या NIS की फुल फॉर्म पता है? NIS का क्या मीनिंग है? आपको NIS का फुल फॉर्म नहीं पता? नहीं। NIS का मतलब होता है निरंकारी इंटरनेशनल समागम, जो होने जा रहा है टोरंटो कनाडा में। Welcome back after this short break. Friends, the next section that we are going to present is the section which includes reports of all the activities and events held in various parts of the world besides India. Let's take a look at all these news with the same enthusiasm with which the overseas volunteers perform various sevas. The name of the section, Mission Overseas, becomes even more important because of the upcoming NIS. The Nirankari International Samagam, which is being held from 29th of June through 3rd of July 2016 in the city of Toronto, Canada. We have already shared the information to participate in the Samagam with all of you in our previous episodes.
But if you still want to know about the same, just log on to www.nis2.org and get your tickets booked. For now, the news from the section, Mission Overseas. On the occasion of Manavikta Devas, various chapters of Sant Nirankari Mission in various cities all around the globe participated in the Humanness Blood Drive, manifesting the virtues of selfless service, compassion and brotherhood. The life, teachings and the sacrifices of Baba Gurbachan Singh Ji were also shared. International Humanist Blood Drive here in Calgary, and today went absolutely spectacular. We were expecting 25 and we almost tripled the number of donors that came through. Over almost 80 donors came through. Everything went absolutely fantastic. The staff handled it well, the donors handled it well, and everybody seemed to have a wonderful time. All the nurses, everybody, for a wonderful job. You saved a lot of lives today. A round of applause for all of you. Some of the cities where the Humanness Blood Drive was organized include Brisbane and Sydney from Australia, Durban and Johannesburg in South Africa, Jakarta in Indonesia, Virginia and Washington DC in USA. Here is a report from Washington DC and Sydney. The Sant Nirankari Mission has been organizing blood donation camps to serve humanity for well over two decades. Over the years, the devotees of Sydney SNM have regularly contributed to this noble cause. This year, the blood donation camps have gained even more global awareness in lead up to the forthcoming Festival of Humanness to be held in Toronto, Canada. This year, the blood donation drive in Sydney was spread over 2 weeks. Saturday 23rd April and Saturday 30th April were the two allocated dates for blood donation. Approximately 55 devotees registered interest in donating. Of those, 40 were able to donate, which, according to Australian Red Cross, helps in potentially saving 120 lives. Amongst those who donated, there was a good mix of first-time donors and experienced donors. Knowing that one blood donation can save 3 lives, the feeling of humanness and oneness was buzzing high. The atmosphere was one of discipline tinged with enthusiasm. Even more inspiring was the fact that each devotee who donated blood thanked Nirankar for giving them physical strength and the right sentiments to contribute to this noble cause, demonstrating the true spirit of volunteerism. Sant Nirankari Ji, we're here today in Washington, D.C. at the Sant Nirankari Mission. Today we are saving lives by giving blood. Babaji says, blood should flow in the veins and not in the drains. We at Innova Blood Donor Services have a motto of give local, save local. And with the Universal Brotherhood, they have done that and beyond. Well, I think giving blood to save lives is such a great thing versus, unfortunately, the tragedies where blood is spilled and lives are lost. I believe that the celebration of life and giving blood is a wonderful thing, and also it's another way that strengthens our community. Denji, how do you feel after giving blood today? I feel awesome. And would you do it again? Oh, yes. In a heartbeat, I would do it again and I'd like to know, Stefan, what made you give blood today? Well, I have two young sons, and I want to make sure that if anything were to happen to them, that they would have the ability to get blood as well. So it's kind of thinking of my children and then thinking of all other children and people out there who really need blood. How did you feel donating blood today? I feel great. It's priceless that we can donate blood and save life. So it's very, I feel great about it. I love coming to Sant Nirankari Mission. The people are so warm and welcoming, and my heart opens to you. A cleanliness drive was held in Manila, Indonesia, emphasizing the message of a clean world and clean mind. Well, friends, in the run-up to the preparations of NIS to be held in Toronto, Canada, many events are being organized.
and all the volunteers are participating in all these events with an amazing fervor and enthusiasm. The promotional activities include pathway events, street shows, and many musical events. After the amazing and inspirational news from the world over, we are going to enter the pages of SNCF Diary. Yes, SNCF Diary, where we talk about the selfless contributions and meaningful efforts of the mission in healing, enriching, and empowering the society in multiple ways. These pious efforts of the foundation are highly appreciated by various agencies, organizations, and the government too. Come, join me in the journey through the SNCF Diary. SNCF की ओर से निरंतर चलने वाली गतिविधियों में अप्रैल के महीने में भी भिन्न भिन्न स्थानों पर अनेक सामाजिक कार्य किए गए, जिसमें संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 9 अप्रैल को स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के 7वें चरण का सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में मिशन के सेवादारों और SNCF के वॉलेंटियर्स द्वारा राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की विधिवत रूप से सफाई की गई। इसके अलावा ये सफाई अभियान देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर चलाया गया, जिनमें आगरा, अजमेर, रांची, अम्बाला, बेंगलोर, बेगमपेट, दादर, देहरादून, एर्नाकुलम, ग्वालियर, हरिद्वार, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, सिकंदराबाद, सूरत, टाटानगर, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, विशाखापट्टनम और मुंबई के कई रेलवे स्टेशन मुख्य रहे। एक ओर जहां मिशन के सेवादार और SNCF के वॉलेंटियर्स उत्साहपूर्वक स्टेशन परिसर की सफाई में जुटे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ निरंकारी युवाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से जहां स्थान स्थान पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता रहा, वहीं स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2015 से प्रत्येक माह देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों की सफाई भी की जाती रही। निष्काम भाव से मानवता की सेवा में जुटे इन भक्तों के भाव भी बेहद सराहनीय थे। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के इस स्वच्छता अभियान से स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री और स्टेशन स्टाफ प्रभावित हुए और सराहना की। तो ये जो सी चीजें मैंने देखी है, मैंने इससे पहले कभी ऐसे देखा नहीं है ये ऐसा। और इस जैसे ये बाथरूम टॉयलेट में भी मैं अभी गया हूँ, जिस हिसाब से लोग हाथ से कर रहे हैं, ये तो अपनी सोच से भी परे। हम जैसे लोग नहीं कर सकते, लेकिन हमें इनसे जागरूक होना चाहिए, हमें इनके साथ होना चाहिए, इनका हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनका थैंक्स करना चाहिए रेलवे को भी और साथ में आप आम आदमी को भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ हमारे से कई पूछते हैं कि आपको कुछ मिलता है, आपको पैसे दिए जाते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम सबको यही बताते हैं कि जो हमें इस दर से मिला है, सदगुरु से मिला है, वो इस सारे संसार में पैसे खर्च कर भी नहीं मिल सकता। जो एक हमें खुशी, शांति, सुकून जो मिलता है वो सेवा करने से ही मिलता है। मेरा नाम मोहम्मद अजहर अंसारी है और मैं सहारनपुर के लिए जा रहा हूँ। मैं अक्सर यहाँ से आता जाता रहता हूँ, लेकिन अक्सर मैंने ऐसी सफाई नहीं देखी। काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देख कर, और ये सब आप लोगों की मेहनत है जो काफ़ी अच्छा हुआ है। आज इतनी सफाई देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये निरंकारी जो मिशन है ये कामयाब होना चाहिए, इसमें बढ़ चढ़ के हमें भी हिस्सा लेना चाहिए। सतगुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है जब हम सेवा करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें सेवा में कोई देख रहा है नहीं देख रहा। जब हम इस गंदगी को, सफाई अभियान को चलाते हैं, मन हमारा बहुत खुश होता है। पूरी इंडिया का रेलवे अभियान अच्छी तरह चल रहा है और 50-50 रेलवे अभी तक कवर हो चुके हैं, जिसमें निजामुद्दीन टॉप में 4 में आया है। इसके अलावा इस अभियान की देश भर के विभिन्न समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों ने प्रशंसा करते हुए मुख्य समाचार के रूप में प्रस्तुत किया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 18 अप्रैल को उल्लास नगर में मानवता की सेवा हेतु एक संत निरंकारी चैरिटेबल डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया।
सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देते हुए SNCF की ओर से 17 अप्रैल 2016 से सहारनपुर में फ्री ब्यूटी ट्रेनिंग कोर्स का आरंभ हुआ। 20 अप्रैल 2016 को हैदराबाद में 10 फ्री ड्रिंकिंग वाटर स्टॉल्स का उद्घाटन किया गया। दिल्ली एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा 28, 29 और 30 अप्रैल को 20th फेडरेशन एथलेटिक चैंपियनशिप का मेगा इवेंट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें SNCF के 180 वॉलंटियर्स ने दर्शकों और प्रतिभागी खिलाड़ियों को साफ सफाई सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने में भरपूर योगदान दिया। SNCF की ओर से श्रीमती बिंदिया छाबड़ा जी और श्री SL गुलाटी जी ने विजेताओं को ट्रॉफी देकर व मेडल्स पहनाकर सम्मानित किया। इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान के लिए एसोसिएशन द्वारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में ह्यूमननेस ब्लड ड्राइव के तहत संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से देश के विभिन्न भागों में 79 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। ये कैंप्स बाबा गुरुबचन सिंह जी के मानव कल्याण के लिए किए गए योगदानों की याद में लगाए जाते हैं। नमस्कार धन निरंकार दर्शकों, न्यूज डिवाइन की टीम के साथ मैं अमृपाली एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने। 24 अप्रैल रविवार का ये दिन इतिहास रचता है, जिस दिन हर बार एक नया इतिहास बनता है, क्योंकि मानव एकता दिवस हम इसे कहते हैं, जहाँ पर होता है रक्तदान, महादान, सदगुरु के वचनों को पालन करते हुए यहाँ पर लाखों करोड़ों संत आते हैं रक्तदान करने के लिए। इस रक्तदान में इस ऐतिहासिक दिन के हर एक दृश्य को आप तक पहुँचाने के लिए आज न्यूज डिवाइन की टीम दिल्ली के ग्राउंड नंबर 2 में आ पहुंची है, जहाँ पर इस महादान का आयोजन किया गया है, सत्संग का भी आयोजन किया गया है। The main motive behind this beautiful service is that when we see God in everywhere, in each and every human being, then we feel, okay, the God is present. The God is present in you. So I do not serve the people. I serve the God, basically. It's not really difficult because there's people that are obviously facing a lot more challenging situation and a lot more pain. And for them, there's no way to get blood except from someone else. It's one thing that can't be manufactured except from another human being. So I think that, you know, it's a wonderful cause that the mission has always stood behind, not just once or at one function, but historically since 1980, we've been donating blood all around the world. It's a tremendous movement and, you know, we're just happy to be a part of it. Whenever you get to donate blood or do something for the humanity, moreover, I think being a human, it becomes a responsibility that you should give something back to the society. So I'm feeling very grateful to donate blood. संसार में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं नशों में पड़े हुए हैं, लेकिन सदगुरु की एक क्या चमत्कार एक बाबा हरदेव सिंह महाराज ने किया है कि नौजवान आज लाइनों में लगे हुए हैं कि हमारा रक्त ले लो। इट्स ये समाज के लिए एक देन है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के कुछ वॉलंटियर्स आए हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, उनके इंचार्ज से एस खान साहब से बात करते हैं। सर, आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपको सेल्फलेस सर्विस करने का मौका मिल रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, हमें जो काफ़ी ब्लड और कंपोनेंट्स की ज़रूरत थी वो हमें पूरी हो जाएगी, और मोस्टली अभी मई जून में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो काफ़ी लोग वॉलंटियर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देश भर में लगाई गई इन रक्तदान शिविरों की श्रृंखला का उद्घाटन दिल्ली में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने किया। इन शिविरों में रक्त एकत्रित करने में विभिन्न अस्पतालों की टीमें शामिल थी, और कुल 1590 श्रद्धालुओं ने रक्तदान कर सदगुरु बाबा जी के कथन रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए को सार्थक करने का प्रयास किया। आज ब्लड डोनेशन कैंप 24 अप्रैल को हर साल जैसे मनाया जाता है, तो इस मौके पर हर बरस केवल दिल्ली में ही नहीं, देश भर में हर अन्य मुल्कों में भी ये योगदान समाज, संसार, इंसानों को दिया जाता है। इंसानियत की भावना से, एक पारिवारिक भाव से युक्त होकर और दिन प्रतिदिन इसके प्रति उत्साह बढ़ते चले जा रहे हैं, और अभी रिसेंटली ह्यूमननेस जो ब्लड ड्राइव आरंभ हुई है, जो टोरंटो में समागम उसके साथ भी रिलेट करके
लेकिन बेसिकली मकसद यही है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों तो ऐसा योगदान देने के लिए और भी प्रेरित हों और प्रेरणा देने के लिए खुद कर्मशील सारे ही भक्तजन महापुरुष नौजवान क्या बुज़ुर्ग क्या इसमें योगदान दे रहे हैं। तो यही प्रार्थना है कि सब लोग ऐसी ही भावना लेकर आगे आएं ताकि उनके भी योगदान इस महान कार्य में हो पाए। बाबा गुरुबचन सिंह जी मेमोरियल कॉलेज सोहना में भी एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें वहां के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके साथ साथ दिल्ली के अलावा देश के विभिन्न शहरों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, कोलकाता, गंगटोक, हैदराबाद, उत्तरांचल, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड आदि में 78 ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल ह्यूमननेस ब्लड ड्राइव के तहत पहली बार रक्तदान शिविर की गतिविधियों को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया। दोस्तों SNCF डायरी के बाद अब समय है अपने अगले सेक्शन की ओर बढ़ने का, पर उससे पहले एक लघु विराम, जल्द लौट कर आते हैं। Bienvenue, benvenuto, swadika, swagatam, ji ayanu, hetslish, welkomin, hanying, bienvenida. A warm welcome to everyone at the Nirankari International Samagam 2016 in Ontario, Canada. एकता ईट ने की तो दीवार बनी, एकता दीवार ने की तो घर बना। ये तो सारी बेजान चीजें हैं। जब ये एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, तो हम क्यों नहीं एक हो सकते? हम भी एक हो सकते हैं। वो कैसे? ये देखने और जानने के लिए चलते हैं टोरंटो कनाडा। में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मित्रों, जिस सेक्शन को अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसकी आप सभी के द्वारा अनेक अनेक प्रशंसा हो रही है। जी हाँ, क्योंकि इसमें उन सज्जनों से साक्षात्कार कराया जाता है जो मिशन द्वारा प्रभावित व प्रेरित हुए हों, और ये वही प्रेरणा है जो हम सब ने सदगुरु से पाई है। तो हुआ ना ये हम सब का सेक्शन जिसका नाम है एक खास मुलाकात। Nirankari International Samagam coming up, you know, in July. So how do you feel the theme of the Nirankari International Samagam is really humanness? So what does humanness mean to you? Well, it's so funny that we were talking about it today. Being human is not just coming to the world and just eating and sleeping and working, and it also means that you must make a difference to somebody's life. And I really feel that that could be animals, could be humans, could be anything. And so I really feel that spirituality and humanness really are connected.
So if you're spiritual, you will be human, you'll have human values as well. So I really think that being human, to me, we didn't come to the world just to live and eat and sleep. I really think there's more purpose than that. So we must change lives of other people. And as a woman, I think if we can save and we can change even a few women's lives in our life, I think the purpose is solved. Thank you so much. And that was in conversation with Anju Malhotra of the Indian Women's Association. Ye thi ek khas mulaqat. This is Akanksha Mehla of News Divine. Thank you. ایک خاص ملاقات کے ان خوبصورت لمحوں کے بعد اپنے آخری سیکشن کی اور آپ کو لیے چلتے ہیں جو ہے انیہ سماچار۔ نرنکاری مشن کے پرچار وبھاگ کی اور سے 2 اپریل کو بچوں کو نرنکاری مشن اور مانو ایکتا دیوس سے سمبندھت جانکاری پردان کرنے کے لیے اور ان کے بھیتر چھپی پرتیبھا کو نکھارنے ہیتو نرنکاری کالونی استھت پردھان لاب سنگھ میموریل ہال سنت نرنکاری سینئر سیکنڈری اسکول میں ایک نبندھ پرتیوگتا کا آیوجن کیا گیا جس کا وشے تھا بابا گربچن سنگھ جی کا ایک گرسک کے روپ میں جیون اور آج سماج سدھار میں نرنکاری مشن کا یوگدان۔ اس پرتیوگتا میں ہزاروں کی سنکھیا میں بچوں نے بھاگ لیا۔ اسی پرکار ورکشاپ کی لڑی میں 7 سے 10 اپریل تک مشن کے پرچار وبھاگ کی اور سے مشن کے آدرشوں کے پرتی لوگوں میں جاگرکتا لانے ہیتو کلکتہ پشچم بنگال میں ایک ورکشاپ لگائی گئی جس میں ستھانیہ پربندکوں اور یواؤں نے اتساہ پوروک بھاگ لیا۔ اس کے علاوہ یہ ورکشاپ 14 سے 17 اپریل تک مدھیہ پردیش کے بھوپال شہر میں بھی لگائی گئی جس میں سملت ہو کر سبھی یواؤں و انیہ سنت مہاتماؤں نے لابھ اٹھایا۔ مشن کے پرچار وبھاگ کی اور سے ہی 30 اپریل کو ہماچل پردیش کے ڈڈور میں ایک پرچارک ٹریننگ کیمپ لگایا گیا جس میں نرنکاری مشن کے سنیوجک مکھی گیان پرچارک اور سیوا دل کے کشیتری سنچالکوں سہت انیک پربندکوں نے بھاگ لیا اور مشن کے پرچار پرسار سے سمبندھت وسترت جانکاری پراپت کی۔ تو لیجئے جناب، خبروں کا یہ سلسلہ ختم بھی ہو چلا ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ دیویہ یاترا اتنی جلدی کیسے سماپت ہو گئی۔ پر جیسے کسی شاعر نے کہا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اگلی پنکتی شاعر کی نہیں، ہماری ہوگی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہر پل گرو ایشور سے ناتا ہے جن کا، یہ زندگی ان کے لیے ایک انعام ہوتی ہے۔ تو اسی پرارتھنا کے ساتھ کہ ہم سب سدگرو دیو کی کرپا اور مہر کا انعام من میں بساتے ہوئے آنند اور سہجتا کے ساتھ اس جیون کو بتاتے چلے جائیں۔ اس ایپیسوڈ کو، اس انک کو یہیں سماپت کرتے ہیں۔ ڈی جے انومتی اپنے دوست اینڈ ہوسٹ راکیش کو نمسکار، دھن نرنکار۔